अब देखो महाराज, अब नरसिंह जी महाराज कुंकुम पत्री नाथ बात सही जुई पटी है, इतना राजी बिया है महाराज, खूब राजी बिया, नृत्य करण लगा। अब केवन लगा कि मारा ब्याई सगा कितना भला आदमी है, कितना चोका मिनक है कि ब्यावरी टाइम मने याद करियो, मने निमंत्रण दियो है, मने निमंत्रण देवन वास्ते जोशी ने भेजियो, इन प्रकार राजी विया है। जो राजी विया नरसिंह मेहतारी लुगई आई और केवन लगी कई बात है नरसिंह जी, क्यों इतना राजी वे रिया हो? नरसिंह जी के मारी दो तिरी रो ब्याव है और सगा संबंधी पत्रिका भेजी है। तब वा केवन लगी, अरे घर में सू बोली मैता नरसिरी नर, राम जी घर में सू बोली मैता नरसी जी ला, अरे कुंकू पत्री झेलण मोटियो हो गयो तैयार, राम जी कुंकू पत्री झेलण मोटियो हो गयो तैयार। हरे अरे तो घर में नाई पावही जुवार, राम जी आने तो घर में नाई पावही जुवार, कुंकू पत्री झेलण मोड़ियो हो गयो तैयार, राम जी कुंकू पत्री झेलण मोड़ियो हो गयो तैयार। अब इन प्रकारु नरसिंह मेहतारी लुगई केवन लागी के घर में तो खावाने रोटियां ही कोनी और कुंकू पत्री झेलन वास्ते तैयार हुए मोडियो। जो ही ऐडा ऐडा शब्द बोलन लागी नरसिंह जी महाराज केवन लगा, अरे बोली रह जा चुपकी रह जा कर की तू नारे, राम जी बोली रह जा चुपकी रह जा कर की तू नारे, थाने मारे मायरारो काई आयो भार, राम जी थाने मारे मायरारो काई आयो भार। अरे भगत बचले प्रभु सारे सब काज, राम जी भगत बचले प्रभु कर सब काज, नानी बहने मायरारी ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज हरी। अब महाराज इन प्रकारों देखो महाराज, जो ही नरसिंह जी कुंकू पत्री बाची खूब राजी बिया, राजी बिया जन घर में उनारी लुगाई बोली कि राजी वेणारी जरूरत नहीं है, मायरार माय ने खूब भरनो पड़ेला, दो इतरी रो ब्याव है, पहला ते मोटा जमाई हो मायरो खूब सारो भरनो पड़ेला, आवड कुंकू पत्री ने पड़ी कि नहीं पड़ी? नरसिंह जी महाराज के तू बोली रे जा चुपकी रे जा घर की तू नार, अरे तू घरी लुगाई है, एड़ा कड़वा कड़वा शब्द मत बोल, थाने शोभा कोनी देवे, थाने मारे मायरा रो कहीं आयो भार, मायरो भरू मैं मायरो भरसी मारो सृजनहार, थाने मारे मायरा रो कहीं भार आयो भाई, चुपचाप बैठी रहे बोल जीज मती। इतनी देर में आपस में धनी लुगाई लड़न लगा, वाके थे मायराम नहीं जावला, नरसिंह जी के तू की कर ले मायरो तो मारे कन निमंत्रण आयो जन, मैं तो जावान मैं नहीं हाथ मारे हुरिये ही जाई, एक लो नहीं जाऊं, जितना भी सूर्या है ए सब मारे साथ जावेला। इन प्रकार हूं नरसिंह जी महाराज कहीं करियो कि पत्रिका लीवी, पत्रिका ले सांवरिया सेठ सामने रख देवी, सांवरिया रो मंदिर हो कृष्ण भगवान रे मंदिर सामने नरसिंह जी जाए पत्रिका रख दीवी। देखो महाराज कितरो संस्कारवान दृश्य आपने नजर आ रही हो, आप लोगों ने मन में भी जद भी कोई प्रश्न वे, जद भी कोई समस्या वे, आपने कोई चीज री आवश्यकता वे, आप लोगों ने पैसा चीजें कट जावा बाणिया री दुकान माते उधार लेवन वास्ते, अपन पैसा चीजें कट जावा कोई धनी व्यक्ति पैसा वाला रखन जावा भाई माने पैसा उधार दे, लेकिन नरसिंह जी रो तरीको देखो, उन्होंने मालूम है मायरो भरनो पड़सी, उन टाइम कहीं करियो पत्रिका ले सांवरिया रे आगे धर दी, तू जाने थारो काम जाने, पैसा लाओ मायरो भर नहीं भरे तो थारी थूप हो जा मर, मैं कहीं करो। नरसिंह जी महाराज बहुत ही सुंदर स्वभाव उनारो। अब महाराज
कितनी बड़ी बात है, अवास्तविक सच्ची घटना है। इन प्रकारों नरसिंह जी महाराज केवन लागा महाराज, अगर भगत रे मन में भाव वे, भगत रे मन में सच्चो प्रेम वे, तो भगवान भी उन्हारे साथ आया करे। बस सच्चा दिलू याद करना रीज दे रहे। एक बहुत ही सच्ची घटना है भगतरी, मैं आप लोगों ने आज बताऊं। आ घटना दिल्ली री बहुत ही सच्ची घटना है। आज कुछ वर्ष पहला दिल्ली रे मायने आ सच्ची घटना भी, जिन माते एक संत महात्मा भजन बनायो, बड़ा प्रेम सुन जो महाराज, कि भगत रे मन में अगर भाव वे, भगत रे मन में अगर प्रेम वे, तो वो दुनिया रे कोई भी कोना में वो भगवान ने उनने वास्ते आनो पड़े, उन्नी लाज रखने वास्ते आनो पड़े, उन्नो मान रखने वास्ते आनो पड़े। तो आप लोगों के सामने एक सुंदर सो भजन है, जिनमें एक भक्तरी सच्ची घटना दिल्ली री गालियोड़ी है। बड़ा प्रेम आप लोग सुन जो। देखो महाराज, हे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, हो भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, हो भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सभी का ध्यान आगे रहेगा, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है उसकी तरफ मत देखिए, नहीं तो आपको आनंद नहीं आएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो कल से झांकियां बंद। बोले महाराज जी कहता हूं, झांकियां देखनी है तो चुपचाप आगे देखो। लारे कई वेरियो ध्यान तो है नहीं, आगे लारे देख रहे हो, अटे देखो ला सारा। अगर आज लारे देख गया है तो झांकियां बंद कर दूंगा, ठीक है महाराज। तो देखो महाराज, एक भक्तरी सच्ची घटना आप लोगों के सामने बता रही हूँ। दिल्ली रे मायने एक बूढ़ी औरत ही, बुजुर्ग महिला ही, जो कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त ही, वह दिन में सोता उठता बैठता खाता पीता हर वक्त भगवान सांवरिया रो नाम लेती। वह औरत
जद भी वह मां स्वरूप बुजुर्ग महिला बिना कृष्ण भगवान रो नाम लिया उनारी छोटी सी मूर्ति ही उन्ना दर्शन करिया बिना उनने दिन की शुरुआत नहीं वेती और जटा तक दर्शन नहीं करती वटा तक आ नींद भी नहीं लेती। इतरो सच्चो भाव वह भोजन करती तो उन मूर्ति ने भी भोजन करवा वह जद भी भजन गाती तो मूर्ति ने अपने गोद में लेन पछि भजन गावती। इतरो प्यारो भाव हो वह सोचती कि आ मूर्ति ही भगवान कृष्ण रो सच्चो स्वरूप है। इतरो तगड़ो महाराज उन्नो भाव बनियोडो हो और सिर्फ अटा तक भगवान की पूजा नहीं हमेशा वृंदावन जानो भगवान रो नाम लेवनो ओ भी उन्नो जीवन रो प्रण हो। महाराज भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले लल्ला समझे कृष्ण को लल्ला बोले कृष्ण को लल्ला समझे कृष्ण को लल्ला बोले भगत है इसकी जान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे हमेशा सजा कर रखे वो लाड लड़ा कर रखे हमेशा सजा कर रखे वो लाड लड़ा कर रखे। जागक देखे वो दिन में भाग के देखे वो रात में जाग के देखे कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे अपनी जान से ज्यादा रखती हो जान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान भक्त बिना कुछ भी नहीं है ओ भक्त बिना कुछ भी नहीं है भगत है इसकी जान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान देखिए महाराज एक दिन की बात है समय सभी का आता है वह बुजुर्ग महिला री तबीयत खराब वेगी तबीयत खराब वेते वह घर में जाए एक माचा माते सोएगी अब तबीयत इतनी बिगड़ी कि उनने ध्यान नहीं कि वह कहीं कर रही है क्यों सोती है कोई दिमाग रो होश नहीं तो वह सोना उस पहला अपनी बिंदड़ी ने अपने बेटा ने बुलायो और केवन लगी कि बेटा मारी तबीयत आज खराब नहीं है मैं मारे खाट उठ नहीं पा रही हूँ यूं कर जो कि मैं रोज मारे सांवरिया की सेवा करूँ रोज सांवरिया ने भोजन जिमाऊँ रोज सांवरिया ने पानी पिलाऊँ अपने हाथा सु सुलाऊँ थे इतो कर जो कि मैं बीमार हूँ तो आज वो काम थे कर लीजो। बिंदनी समझदार ही लेकिन उनने सांवरियारी महिमा रो ज्ञान नहीं सांवरियारो बिल्कुल भी भान नहीं कि कहीं सेवा करी जे तो भी वह हाँ भर ली। अब हाँ भरते ही डोकरी वह मूर्ति उन्होंने हाथ में थमाई दी अब वह बिंदनी ध्यान नहीं रखियो सांवरियारो
और सांवरियारी सफाई करता 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 जो हाथ में पकड़ी ही वह मूर्ति जोर हाथ धड़ाम जमीन माते गिर गई। महाराज जो ही वह मूर्ति जमीन माते गिरी जो ही जोर से आवाज आई डोकरी दी नींद खुली। नींद खुलती वह महिला अटनू अटने देखने लगी और जो ही मालूम चढ़ियो कि उन्नो सांवरियारी मूर्ति जमीन माते बिखरने टूट गई है। जोर जोर से वह रोन लगी पुकारन लगी। महाराज वाक्य वे वो लल्ला लल्ला पुकारे आई क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे आई क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी हाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे।